प्रतिशत महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, कानून बन गया, धोखा क्यों कर रहे हैं, लागू करिए, मांग है लागू करिए। और इसी को लेकर संसद का घेराव है, तीन मांगों को लेकर। महिला आरक्षण कानून पास है, लागू करिए। महिलाओं को आने वाले बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या राहत देने जा रही हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। आपने कहा उपचुनाव, देश ने दिखा दिया है 13 सीटों पर उपचुनाव होता है और 10 पे इंडिया अलायंस जीतता है। आपके उत्तराखंड में पहले अयोध्या फैजाबाद सीट हारते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार है, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, दोनों जीते। हिमाचल देवभूमि कहा जाता है, 40 सीटें थी, लेकिन इस लालची सरकार ने, भाजपा सरकार ने उस सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, खरीदा, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी हमने हिमाचल में वापस 40 सीटों का बहुमत के स्थिर सरकार को कायम रखने में कामयाब हुए हैं। सो मध्य प्रदेश की जो 2 सीटें हैं, 1 सीट पर हुआ है आपके छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव में, ये वही सरकार है, पूछना चाह रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर चर्चा है, लेकिन एक ही राज्य के एक सीट के उपचुनाव पर गिनती के बीच में लंच ब्रेक लेना पड़ रहा है। एक देश एक चुनाव, हाँ, और एक राज्य का एक उपचुनाव में चुनाव का जो अधिकारी है। सो मैं ये कहूँगी मध्य प्रदेश की दोनों उपचुनाव की सीटों को ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगा तो हम जीतेंगे। महिलाएं 2 सीटों पर कौन दावेदारी है क्यों नहीं, आज की चर्चा में सामने आएगा, तो स्वाभाविक है हम उनकी बात को रखेंगे संगठन में। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी पत्रक में आई हूँ, अब पहली बार हर जिला अध्यक्ष से बैठकर आज सारा दिन 6 घंटे लगातार ये चर्चा चलने वाली है। सो उसके बाद मैं बताऊंगी, अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो बिल्कुल उनकी पदोन्नति की जाएगी, जिनका अच्छा काम नहीं है उन्हें पदमुक्त करके कुछ और काम पे लगाया जाएगा। तो बड़ा संगठन में फेरबदल जो है वो मैं करने जा रही हूँ, चलने वाली है, स्वाभाविक है। महिला कांग्रेस के संगठन को कहाँ और मजबूत करने की और कैसे मजबूत करने के ऊपर संगठन के ऊपर दिन भर चर्चा रहेगी। संगठन निर्माण में बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल प्रदेश से लेकर बूथ स्तर की कमेटियां बने और बड़े बदलाव हम करने के साथ, एक मजबूत संगठन पर विचार करने के साथ हम आएंगे कार्यक्रमों पर, कि आज हम दिल्ली कहें या मध्य प्रदेश में, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, हम किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं, खासतौर से आधी आबादी। मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार देखने में आ रहा है कि नाबालिग बेटियाँ हों, बहनें हों, उनके साथ जघन्य अपराध, अन्याय, हर तरह का बलात्कार कहें हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। महिला अपराध पर चर्चा होगी, महिलाओं के हक और अधिकारों पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण पास हो चुका है, लागू नहीं किया जा रहा है। 29 जुलाई सोमवार को देश भर की बहनें, जिसमें मध्य प्रदेश की बहनें भी हिस्सा लेंगी, हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं इस मांग के साथ कि आपको महिला आरक्षण कानून जो पास है लागू करना है। महंगाई की बात, आज बजट भी 22 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बजट पेश होगा देश का, उस बजट को लेकर महंगाई से महिलाओं को कैसे राहत मिले, हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग महिला संगठन के साथ महिलाओं के मुद्दे पर एक मजबूत विपक्ष किस तरीके से यहाँ की सरकार को घेरने का काम करेगा। 500 का सिलेंडर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दे रही थी, मोदी की गारंटी 450 का। हमने देखा विधानसभा में बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन लगे। हम बहनों से पूछने जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की धरती में विधानसभा के बाद लोकसभा में पूर्ण बहुमत देने के बाद डबल इंजन की सरकारें, हमारी जिला अध्यक्ष जो आई हैं बताएंगी, 450 रुपये का घरेलू सिलेंडर मिल रहा है या आज भी सब्सिडी बंद है और 1100-1200 रुपये का इतनी महंगाई में उन्हें सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो हम इस आज की बैठक के बाद आंदोलन का रूप लेंगे, सड़कों में आएंगे, विधायक मंत्रियों का, सरकार का, विधानसभा का हम घेराव करेंगे। आपने देखा जैसे कल हमारी NSUI के नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मिलकर नीट के छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, सड़कों पर आए, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी बल इस्तेमाल किया, चोटें आईं। महिला कांग्रेस परवाह नहीं करेगी, अब महिला कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के हर जिले हर गाँव में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, उनके हक अधिकारों के लिए सड़कों पर अब आने वाले समय में आंदोलन का रूप लेगी। इसी पर आज हमारी सारी चर्चा होने जा रही है।